Download the Nursing Lecture app and get access to the premium videos, articles, mnemonics, practice test series and chat completely free. Get it from the Play Store. Hi everyone, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप्स या फिर कह सकते हैं लियोपोल्ड मैनूवर के बारे में, और जैसा कि इसका नाम दिया गया है क्रिश्चियन जेरहार्ड लियोपोल्ड के द्वारा, इसलिए इसे लियोपोल्ड मैनूवर भी कहते हैं। और इसमें कई ग्रुप ऑफ एक्शंस होते हैं, मैनूवर्स मीन्स मूवमेंट्स और द एक्शन जो कि एक ग्रेविड वुमेन के एब्डोमेन पे हम परफॉर्म करते हैं ताकि फीटस की लाई प्रेजेंटेशन एटीट्यूड प्रेजेंटिंग पार्ट इन सब को हम आइडेंटिफाई कर सकें। सो ये जो मैनूवर्स हैं इसे हम 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में हम फीटल बॉडी पार्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम 28 वीक के बाद से हम इसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं। सो इन इसके अंदर बेसिकली फोर मैनूवर्स होते हैं, फोर ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स होते हैं, और उन ग्रिप्स को परफॉर्म करने से पहले कुछ हमें प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है ताकि हम इजीली पालपेट कर सकें मदर के एब्डोमेन को। सबसे पहले हम मदर को बोलेंगे कि वो अपने ब्लैडर को एम्प्टी करके आए, वॉइड करके आए, जिसके कारण जो ब्लैडर फिल होने के कारण जो मदर को डिसकम्फर्ट होगा एट द टाइम ऑफ पालपेशन वो हम पहले से रिलीव कर सकते हैं, और हमें इजीली बॉडी पार्ट जो है फीटस के वो भी इजीली फील हो सकते हैं। सेकेंडली, प्रोसीजर को परफॉर्म करते वक्त एग्जामिनर को कहाँ पे खड़े होना है, राइट साइड ऑफ द पेशेंट। सो ये भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना जरूरी है ताकि हम प्रोसीजर को बहुत ईजिली यानी डोमिनेंट साइड में जब खड़े होंगे तो प्रोसीजर को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मदर को हमें पोजिशन करना है। यूजुअली डॉर्सल पोजीशन के अंदर मदर को हम लाई डाउन करेंगे इन अ बेड, और डॉर्सल पोजीशन में भी हम स्लाइटली शोल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए पिलो के साथ में मदर का हेड एंड स्लाइटली एलिवेट कर सकते हैं, और स्लाइटली उसे लैटरल साइड में भी टिल्ट कर सकते हैं ताकि वीना केवा के कंप्रेशन को हम अवॉइड कर सकें। और ऑलवेज पाल्पेशन से पहले एग्जामिनर को अपने हैंड्स को रब करना ज़रूरी है ताकि आप अपने कूल और कामी हैंड्स को मदर के एब्डोमेन पर अगर वो टच करेगी तो देर विल बी अ सडन डिस्कम्फर्ट फॉर अ वूमेन। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर अपने हैंड्स को रब कर सकता है बिफोर गोइंग फॉर द प्रोसीजर। और उसी के साथ जो बेसिक्स हैं, मदर के एब्डोमेन को आपको एक्सपोज करना है और स्लाइट प्राइवेसी आपको मदर को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक प्रिपरेशन है बिफोर गोइंग फॉर द पाल्पेशन। समटाइम ये पाल्पेशन करने में हमें डिफिकल्टी फील हो सकती है बिकॉज अगर मदर ओबेज है या फिर पॉलीहाइड्रोमनियोस हैं यानी एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट वी आर जनरली परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर आफ्टर 28 वीक ताकि मोस्ट ऑफ वुमेन के अंदर हम इस चीज़ को लोकेट कर सकते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो पाल्पेशन के ज़रिए कि जो लेबर आगे प्रोसीड होगा क्या वो एक नॉर्मल कंडीशन में जा रहा है या नहीं, उसके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो सारे नॉर्मल हैं या नहीं, मदर एक नॉर्मली डिलीवरी कर सकती है या फिर देर इज़ अ नीड फॉर सीजन सेक्शन। सो इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने के लिए एब्डोमिनल पाल्पेशन किया जाता है। सो एब्डोमिनल पाल्पेशन के पहले एग्जामिनर ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो यूट्रस का काउंटर है, जो आउटर शेप है, वो फ्लैट तो नहीं है या फिर कॉन्वेक्स है, और एंट्री एब्डोमिनल वॉल कैसा आपको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज यूट्रस तो नहीं दिख रहा है, और जो यूट्रस का ओवॉइड है वो किस तरीके से जा रहा है यानी वो स्फेरिकल राउंड शेप दिख रहा है या फिर सिलेंड्रिकल, ये भी बेसिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं बिफोर गोइंग फॉर द पाल्पेशन। ओके, नाउ पाल्पेशन से पहले जो मदर की वीक्स ऑफ जेस्टेशन है बाय द LMP इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं विद द SFH सिम्फाइसिस फंडल हाइट के जरिए, और SFH के लिए अगेन एग्जामिनर को अपने लेफ्ट हैंड को अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फंडस पे प्लेस करना होगा, और अपर मोस्ट पार्ट पे प्लेस करने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है विद दिस अल्नार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड उसको प्लेस करने के बाद में एक पॉइंट बनाएंगे, और वहाँ से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फंडस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक क्या करेंगे, इंच टेप से हम मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिम्फाइसिस फंडल हाइट SFH। ओके, और इन सेंटीमीटर हम उसको मेजर करके जो मदर के द्वारा बताए गए वीक्स ऑफ जेस्टेशन है उसके साथ हम करस्पॉन्ड करेंगे, अगर वो मैच करते हैं प्लस माइनस टू इज कंसिडर टू बी नॉर्मल। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वुमेन हमारे पास आई है फॉर द एब्डोमिनल पाल्पेशन उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक्स की है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ग्रिप्स, ओके, सो देर आर द फोर ग्रिप्स और द फोर लियोपोल्ड मैनूवर्स। तो यहाँ पे है हमारा पहला
फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर, जिसे फंडल ग्रिप भी कहते हैं। और फंडल ग्रिप, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर यूजुअली कौन से पार्ट को पाल्पेट किया जाता है? फंडस पार्ट को, यानी यूट्रस के सबसे अपर मोस्ट पार्ट को। और कैसे पाल्पेट करते हैं? जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, एग्जामिनर जो है, सबसे पहले एग्जामिनर का जो फेस है वो पेशेंट के फेस की तरफ होना चाहिए। और एग्जामिनर जो है वो अपने बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को यूज़ करेगा किस चीज़ को पाल्पेट करने के लिए? फंडल एरिया को पाल्पेट करने के लिए। सो बाय यूजिंग बोथ हैंड एग्जामिनर क्या करेंगे, पामर एस्पेक्ट से फंडस एरिया को क्या करना है? पाल्पेट। और पाल्पेशन से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि फंडल एरिया पे कौन सा पोल जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वेदर इट इज सिफेलिक, वेदर इट इज पोडालिक। सिफेलिक है यानी मीन्स क्या होगा, हेड पार्ट जो है वो फंडस में है। और अगर हेड होगा तो कैसा फील होगा? इट विल बी हार्ड, ग्लोबुलर और राउंड शेप एंड स्लाइटली मूवेबल। एंड इफ इट इज पोडालिक, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, पोडालिक है यानी ब्रीच है, यानी बटेक्स फील हो रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन ये एरिया कैसा फील होगा? स्लाइटली ब्रॉड, सॉफ्ट और इरेगुलर नोब्स, क्योंकि इरेगुलर नोब्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द नीज या फिर फीट, इसी कारण आपको क्या फील हो सकते हैं, देर आर द इरेगुलर प्रोट्रूजन। ठीक है, सो दोनों हाथों से पेशेंट के फेस की तरफ फेस करके क्या करेंगे, फंडस एरिया को पाल्पेट। सो दैट इज कॉल्ड द फंडल ग्रिप, फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। नाउ दूसरा ग्रिप आता है सेकेंड लियोपोल्ड मैनुअर, जिसे बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रिप या फिर लैटरल ग्रिप। लेट मी शो यू द इमेज। तो यहाँ पे है हमारा सेकेंड लियोपोल्ड मैनुअर, और जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, अम्बिलिकल ग्रिप, यानी यहाँ पे भी एग्जामिनर जो है वो पेशेंट के फेस की तरफ फेस करेगा, राइट साइड में स्टैंड होके, और दोनों हाथों को कहाँ पे पाल्पेट करेगा? अराउंड द अम्बिलिकस, लैटरल ग्रिप भी कहते हैं। और ये ग्रिपिंग कैसे हम पाल्पेट करेंगे, एग्जामिनर जो है वो फर्स्ट पहले अपने एक हैंड को स्टेडी रखेगा, उसको रोक के रखेगा, और दूसरे हैंड से क्या करेगा, अपोजिट साइड के डायरेक्शन को क्या करेगा, पाल्पेट। एंड अगेन इस हैंड को स्टडी करते हुए दूसरे हैंड से क्या करेगा, पाल्पेट। सो विद द अम्बिलिकल और लैटरल ग्रिप क्या फाइंडिंग्स मिलती है कि फीटस का बैक कहाँ पे है, फीटस के एंटीरियर शोल्डर्स कहाँ हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, बैक को आइडेंटिफाई करना, एंटीरियर शोल्डर आइडेंटिफाई करना, ये किसके जरिए कर सकते हैं, लैटरल ग्रिप के जरिए। सो अगर बैक फील हो रहा है तो बैक कैसा फील होगा एग्जामिनर को, बैक फील होगा एक लार्ज स्मूथ कर्व फील होगा। जिस साइड लार्ज स्मूथ कर्व दिखाई देगा, यानी वो क्या सजेस्ट करता है, यहाँ पे बैक है। ओके, और दूसरी साइड कंपेरेटिवली क्या रहेगी, एम्प्टी, बिकॉज यहाँ पे आपको इरेगुलर नोब्स ऑफ लिम्स मिल सकते हैं, हैंड्स एज वेल एज फीट के, और एंटीरियर शोल्डर भी मिल सकता है। सो इस पाल्पेशन के जरिए एंटीरियर शोल्डर को लोकेट करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपको बैक और एंटीरियर शोल्डर लोकेट होते हैं, तो उसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, एंटीरियर शोल्डर को लोकेट करने के बाद में स्कैपुलर रीजन की यहाँ पे आप क्या प्लेस कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप टू आइडेंटिफाई द फीटल हार्ट रेट। नाउ ये है तीसरा ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर, पाउलिक ग्रिप भी कहते हैं और सेकेंड पेल्विक ग्रिप भी कहते हैं। और इसके अंदर आपको क्या इमेज दिख रही है कि इसमें ओनली एग्जामिनर जो है वो वन हैंड को यूज़ करता है। इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनर एग्जामिन और पाल्पेशन करते वक्त अपना फेस पेशेंट के फेस की ओर ही रखता है, और साथ में ही वन हैंड, राइट हैंड को यूज़ करते हुए थंब और फोर फिंगर को क्या करेंगे, स्ट्रेच इस तरीके से। और कहाँ पे प्लेस करेंगे कि इसी राइट हैंड का जो अल्नार बॉर्डर है, इस अल्नार बॉर्डर को सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ पे प्लेस करेंगे, और इन्हीं स्ट्रेच्ड फिंगर और थंब के जरिए लोअर पोल ऑफ द यूट्रस को पाल्पेट करेंगे। लोअर पोल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हियर इट इज़ द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। सो लोअर पॉल ऑफ द यूट्रस को इस स्ट्रेच्ड फिंगर और थंब के जरिए क्या करेंगे, पाल्पेट। एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए इस ग्रिप को परफॉर्म किया जाता है। सो अगर जब हैंड्स को इस तरीके से प्लेस करेंगे, और उस कंडीशन में अगर जो फिंगर्स है वो कॉन्वर्जेंट होगी, कॉन्वर्जेंस होगी, तो इन दैट कंडीशन हेड जो है वो ईजिली ग्रास्प हो पाएगा और वो ईजिली मूवेबल रहेगा। तो ये बताता है कि हेड जो है वो एंगेज नहीं हुआ है। वंस द हेड बिकम एंगेज, और एंगेज हो जाएगा और पेल्विक कैविटी में जब एंटर कर जाएगा, पेल्विक ग्रिम से होता हुआ, तो इन दैट कंडीशन द फिंगर गोज डाइवर्जन, दूर की ओर जाएगी, और दूर की ओर जाएगी, और हेड जो है वो इजिली मूवेबल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है, पहली चीज क्या हम देखते हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है या फिर पोडालिक प्रेजेंटेशन है। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंटेशन एंड द एंगेजमेंट, हम कौन सा ग्रिप परफॉर्म करते हैं, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर। तो यह है लास्ट ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी कहते हैं,
और ये रिमेनिंग तीनों ग्रिप्स के कंपैरिजन में स्लाइट डिफरेंट है, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रिप के अंदर जो पेशेंट का फेस है उसकी और एग्जामिनर फेस करता है, लेकिन इस ग्रिप के अंदर इस पैल्पेशन को करते वक्त एग्जामिनर अपने फेस को पेशेंट के फीट की ओर रखता है। तो पेशेंट के फीट की ओर फेस करते हुए दोनों हाथों को यूज़ करते हुए हैंड्स को कहाँ पे पैल्पेट करता है, एट द लोअर पोल, ठीक है। लोअर पोल पे भी कहाँ पे, अम्बिलिकस के बिलो मिड लाइन पे, स्लाइटली पैरेलल टू द इनग्वाइनल लिगमेंट्स, इनग्वाइनल लिगमेंट्स के यानी समवॉट फ्लैंक रीजन में क्या करता है जो एग्जामिनर है वो अपने हैंड्स को क्या करता है, प्लेस करता है। सो पैरेलल टू द इनग्वाइनल लिगमेंट, ये जो ग्रिप है ये स्लाइटली कंफर्टेबल है फॉर अ वुमेन, इसलिए इस ग्रिप के जरिए हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंगेजमेंट। पाउली ग्रिप के जरिए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट दैट विल बी क्वाइट डिसकम्फर्टेबल फॉर अ वुमेन, लेकिन इसके जरिए हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि एंगेज हुआ है या नहीं। सो वी आर चेकिंग द एंगेजमेंट। और इसमें जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जैसे कि इस फिगर के अंदर देख सकते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन के साथ में हम प्रेजेंटिंग पार्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन का भी वो कौन सा पार्ट है, बोनी फिक्स एरिया जो कि इंटरनल उसको लाई करता है। सो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्लेक्शन के ऊपर यानी एटीट्यूड के ऊपर, कि अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है, एटीट्यूड इज कंप्लीट फ्लेक्शन, तो इन दैट कंडीशन हमें क्या मिलेगा कि जो बैक साइड है, सपोज हियर इन दिस फिगर यू कैन सी कि यहाँ पे आपको बैक मिल रहा है, तो आपको सेंसिव पुट कहाँ मिलेगा, ऑन द अपोजिट साइड, ओके, इन द कंप्लीट फ्लेक्शन, एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट वुड बी द वर्टेक्स। आया समझ में? सो अगर इस ग्रिप के जरिए हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंगेजमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द एटीट्यूड, लाइक इन फेस प्रेजेंटेशन, कि अगर फेस प्रेजेंटेशन होता है यानी जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, अगर ये फेस है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीपिटल रीजन है, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट फ्लेक्शन नहीं, हमें वेरिजन क्या मिल रहा है, एक्सटेंशन, तो इन दैट कंडीशन जो ऑक्सीपिटल रीजन है ये बैक की तरफ ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो आफ्टर द पाल्पेशन हम फीटल हार्ट रेट को भी ऑस्किलटेट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं बाय स्टेथोस्कोप, एंड जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है अगर आपके पास सिफेलिक प्रेजेंटेशन है इन द पाल्पेशन, इन दैट कंडीशन हमको जो FHR है वो कहाँ मिलेगी, लाइक इन लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, इन दैट कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी, बिलो द अम्बिलिकस टुवर्ड द सेम साइड, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड है, ऑक्सीपुट लेफ्ट साइड में है, तो इन दैट कंडीशन हमें लेफ्ट साइड में ही मिलेगी फीटल हार्ट रेट, लेकिन कहाँ मिलेगी, जस्ट बिलो द अम्बिलिकस नियर द मिड लाइन। और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर हमको कहाँ में मिलेगी, अम्बिलिकस के अराउंड। सो इस लेक्चर के जरिए फोर ऑब्स्टिकल ग्रिप्स कौन से होते हैं इसके बारे में हमने समझा, और फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर इज द फंडल ग्रिप, सेकेंड लियोपोल्ड मैनुअर इज द अम्बिलिकल एंड द लैटरल ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर इज द पाउलिक एज वेल एज द सेकेंड पेल्विक ग्रिप, एंड द फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर इज द फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।